नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ के स्पोर्ट्स पेज पर। आज हम बात करेंगे भारत और साउथ अफ्रीका के बीच विशाखापट्टनम में चले पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन के पहले सेशन की। जी हां, बहुत ही शानदार सेशन रहा भारतीय टीम के लिए। रोहित शर्मा ने 176 रन की पारी खेली। एक बार फिर भारतीय टीम ने एक बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। पहले विकेट के लिए 317 रन जोड़े मयंक अग्रवाल और रोहित शर्मा की जोड़ी ने। रोहित शर्मा की अगर बात करें तो रोहित शर्मा ने अपने ओपनिंग टेस्ट मैच में भी 177 रन बनाए थे और अब पहली बार जब वो ओपनिंग कर रहे थे भारत के लिए तो 176 रन बनाए थे। बहुत ही शानदार बल्लेबाज हैं और पारी की सबसे शानदार बात यह थी कि जिस तरीके से वो अपनी पारी को पेश कर रहे थे, हर गेंदबाजों को बुरी तरह धो रहे, स्पिनर्स को खासतौर पर साउथ अफ्रीका के बहुत बुरी तरीके से धो रहे थे। 244 गेंदों में 176 रन बनाए जिसमें 6 छक्के और 23 चौके शामिल थे। कल इस तरीके की तेजी नहीं दिखाई थी उन्होंने, लेकिन आज बहुत तेजी से रन बनाए। और केवल रोहित शर्मा नहीं, मयंक अग्रवाल ने भी उनका बहुत अच्छी तरीके से साथ दिया। फिलहाल लंच के टाइम पर भारत ने एक विकेट खोया है और इस वक्त मयंक अग्रवाल 138 रन बनाकर खेल रहे हैं। चेतेश्वर पुजारा भी मैदान पर हैं। मयंक अग्रवाल ने भी बहुत अच्छा साथ दिया, 317 रन की साझेदारी। जी हां, आपको बता दें कि साल 2019 में किसी भी टीम की ये पहली 300 प्लस रन की साझेदारी है जो मयंक अग्रवाल और रोहित शर्मा ने की है, और भारत के भी इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी है ये रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल के बीच में जो हुई है। इससे पहले जो साझेदारियां हुई हैं, एक साझेदारी 413 रन की हुई जो पंकज राय और रिन मकड़ के बीच 1956 में हुई थी। उसके बाद 410 रन की साझेदारी वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ के बीच हुई थी, और ये तीसरी साझेदारी है जो 300 प्लस रन की है रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल के बीच जो विशाखापट्टनम में आज हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाजी की है रोहित शर्मा ने, खास तौर पर केशव महाराज को सबक सिखाया, क्योंकि केशव महाराज एक बहुत ही सक्सेसफुल स्पिनर रहे हैं साउथ अफ्रीका की टीम के, लगातार विकेट लेते रहे हैं, लेकिन यहाँ एक एक विकेट के लिए तरसा दिया। पूरे तीन सेशन आज अभी तक इस टेस्ट मैच में एक सेशन बारिश से धुल गया था पूरी तरीके से। तीन सेशन में भारतीय टीम पूरी तरीके से छाई है। एक विकेट ज़रूर साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने लिया है, लेकिन इतने रन देकर अगर आप एक विकेट ले लेते हैं तो उसके कोई मायने नहीं है। बहुत ही तेज़ी से भारतीय टीम रन बना रही है और मुझे लगता है कि चाय के विश्राम तक टीम इंडिया का स्कोर 500 प्लस पहुंच जाएगा और भारतीय टीम चाहेगी कि चाय के बाद भी एक घंटा खेले और 600 के करीब रन बनाकर साउथ अफ्रीका को बल्लेबाजी के दिए। और जो भारत के कमेंटेटर हैं सुनील गावस्कर और पूर्व बल्लेबाज हैं, उन्होंने भी कहा कि दूसरे दिन की शाम से यहां पर गेंद टर्न होनी शुरू हो जाएगी, बहुत तेज़ धूप खिली हुई है ग्राउंड में। उन्होंने कहा था कि जैसे ही धूप खिलेगी क्रैक्स टूटने शुरू होंगे और पिच स्पिन करनी शुरू होगी, तो भारतीय स्पिनर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो भारतीय टीम चाहेगी कि चाय के बाद एक अच्छा स्कोर बनाए और साउथ अफ्रीका को डिक्लेयर कर साउथ अफ्रीका को बल्लेबाजी के लिए बुलाए, लेकिन देखते हैं हालात कैसे रहते हैं, किस तरीके का फैसला कप्तान कोहली लेते हैं। तो आपको बता दें अभी तक का स्कोर, भारत ने एक विकेट खोई है अभी तक। मयंक अग्रवाल 138 रन बनाकर खेल रहे हैं, चेतेश्वर पुजारा 6 रन बनाकर खेल रहे हैं, रोहित शर्मा 176 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। कुछ और रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं जो रोहित और मयंक अग्रवाल की जोड़ी ने बनाए हैं। रोहित साउथ अफ्रीका तो बहुत ही अच्छा मैच चल रहा है इंडिया के, अगर बैटिंग के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही हाईएस्ट ओपनिंग स्टैंड बता देते हैं भारत के लिए। वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ ने 410 रन बनाए थे जब पहली बार ओपनिंग की थी। 289 रन मुरली विजय और शिखर धवन ने 2013 में बनाए थे। 276 रन की साझेदारी डेम्पस्टर और जे मिल्स ने की थी 1976 में। 261 रन की साझेदारी रोहित, और इतिहास की चौथी सबसे बड़ी साझेदारी है जो नए ओपनर्स ने की है, 317 रन की साझेदारी की है। तो बहुत ही शानदार बल्लेबाजी देखने मिल रही है, हो सकता है, उम्मीद करते हैं कि आगे भी भारतीय टीम अगले सेशंस में, अगले जो दो सेशन आने वाले हैं दूसरे दिन में, उनमें भी भारतीय टीम अच्छी बल्लेबाजी करे। हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे जिस तरीके से भारत की टीम की बल्लेबाजी चल रही है, क्या इस मैच में चल रहा है, किस तरीके की गेंदबाजी हो रही है, किस तरीके की बल्लेबाजी रही है, जो भी मोड़ इस मैच में बन रहे हैं, मोड़ आ रहे हैं और जितने भी रिकॉर्ड्स इस मैच में बन रहे हैं, हम हर चीज़ की आपको जानकारी देंगे। बने रहिए हमारे इंडियन स्पोर्ट्स पेज के साथ क्रिकेट की सारी अपडेट्स के लिए।